नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। तो दोस्तों, आज मेरे सामने जो पौधा आप देख रहे हैं, ये है टेकोमा का प्लांट। तो देखिए कितना अच्छा इसमें ब्लूमिंग कर रहा है। तो इस ब्लूमिंग के पीछे क्या क्या केयर है, मैं आज आपसे शेयर करूँगा। कौन सा सॉयल इसके लिए अच्छा है, कौन सा फर्टिलाइजर इसके लिए अच्छा है, कैसा इसको सनलाइट चाहिए, तो दोस्तों इसके ऊपर जो है पूरा जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत उसको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, ये टेकोमा प्लांट जो है एक समर फ्लॉरिंग प्लांट है। समर में ये जो प्लांट अच्छा फ्लॉरिंग करता है, और ये एक सर्व है। तो ये टेकोमा जो प्लांट है, इसको देखिए, ये बेल टाइप, ये इसका जो फ्लावर है, इसका जो येलो फ्लावर है, तो येलो बेल भी उसको बोलते हैं, इसको हम ऑरेंज बेल भी बोल सकते हैं। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जब ये एक साथ गुच्छे में जब फ्लॉरिंग होता है। तो आप देख ही रहे हैं, देखिए गुच्छे गुच्छे में सब फ्लॉरिंग चल रहा है। ये देखिए पूरा जो है भर के इसमें फ्लॉरिंग चल रहा है। बहुत सारा बड्स भी है, देखिए ये बड्स है, बहुत हर ब्रांचेस में इसका बड्स अभी है। तो देखिए अभी बहुत सारा खिलना बाकी है। तो जितना खिला है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये ऑरेंज कलर का जो टेकोमा है। तो दोस्तों, पॉट्स आप मैंने बताया, जैसे पॉट साइज़ जो है थोड़ा सा 10 से 12 इंच या 14 इंच का भी पॉट जो है आप इसको इससे ग्रो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बुशी बनता है, थोड़ा सा बड़ा पॉट में अगर ग्रो करेंगे तो ये में बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है इसका, जो मैं सॉइल की बात करूं, तो सॉइल तो जो है एक वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, और सॉइल में आपका ऑर्गेनिक मैटर्स भी भरपूर होना चाहिए। जैसे आप इसको, जैसे पॉटिंग सॉइल आप जब तैयार करेंगे, जब इसको प्लांटेशन करना है, तभी इसमें जो फर्टिलाइजर है, जैसे काउडंग मैन्यूर या तो वर्मी कंपोस्ट, आप एक हिस्सा रखिए, एक हिस्सा सॉइल रखिए, और 20% जो है सैंड रखिए, साथ में थोड़ा सा बोन मील और नीमखली ऐड कीजिए, थोड़ा सा फंगिसाइड्स भी ऐड कीजिए, एक स्पून के छोटे स्पून के करीबन थोड़ा सा फंगिसाइड्स भी ऐड कीजिए। तो उसी सॉइल मिक्सचर जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक तो जो है वेल ड्रेन्ड भी बनेगा, और साथ में जो है रिच बनेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है इसका सनलाइट लवर है ये। आप इसको 6 से 7 घंटा जो है धूप में रखिए, जहाँ आपको 6 से 7 घंटा धूप मिलता है वहीं पे इसको प्लेस कीजिए। तो इसका जो ग्रोथ है और फ्लॉरिंग भी है, इससे आपको बहुत अच्छा फ्लॉरिंग होगा और ग्रोथ भी अच्छा होगा। मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं, तो जैसे आप पॉटिंग सॉइल जैसे बनाया पॉटिंग सॉइल के साथ साथ आप इसको महीना में जो है एक बार फिर से दोबारा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दीजिए। फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जो है, जैसे बोन मिल आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे केले की छिलका या संतरे की छिलका, इसको भिगो के आप इसको दे सकते हैं, जिससे क्या है इसका फ्लॉरिंग जो है बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है इसका वाटरिंग की बात करूँ, तो ये इसका जो सॉइल है, इसको थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन रखना है। समर में जो है इसको आप बिल्कुल मतलब इसको ड्राई अप नहीं होने देना चाहिए। आप इसको जो है रेगुलर बेसिस पे वाटरिंग करें, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर जो है इसमें मेंटेन रहे, तभी ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छा फ्लॉरिंग करेगा, और इसका जो ग्रोथ भी है वो भी अच्छा होगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो है आप इसका जो पेस्ट का प्रॉब्लम है, वो जैसे मिली बग्स है, देन एफिड्स है, स्पाइडर माइट स्पेशली ये इसमें जो है अटैक करते हैं, तो इसलिए ये 15-20 दिन में एक बार अगर आप इसको नीम ऑयल से स्प्रे कर देंगे तो ये पेस्ट फ्री रहेगा। तो दोस्तों, इसको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे विंटर ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसको आप अगर प्रूनिंग कर देंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे, तो फिर ये बहुत बुशी बनेगा, और जितना बुशी बनेगा उतना ही आपको अच्छा मतलब ज़्यादा फ्लॉरिंग आपको मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा ये जो जानकारी मैंने आपको दिया टेकोमा के ऊपर। तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।